हे गाइस, मेरे पास आ चुका है टाइप सी टू HDMI केबल। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रीमिंग में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसी बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे ठीक ठाक लगा, किसी तरह के कंप्लेंट्स नहीं है। ये जो केबल गाइस थंडरबोल्ट 3 को सपोर्ट करता है, मतलब स्पीड ज़्यादा मिलता है तभी आपको डिस्प्ले आउट मिलता है। तो मिनिमम आपको टाइप सी 3.1 रहना है और मैक्सिमम थंडरबोल्ट 3 तक ये कंपैटिबल है। एग्जैक्ट कंपैटिबिलिटी लिस्ट और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे मैंने अमेजोन का दे दिया। अगर आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप और iMac, MacBook इस तरह के जो टाइप सी के डिवाइसेस हैं, वहां पे इस तरह का केबल आप इस्तेमाल करके डिस्प्ले आउट ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका लेंथ जो भी है 2 मीटर तक रहता है और आप आसानी से डिस्टेंस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन से टीवी में मिरर करना है, नहीं तो आपका लैपटॉप से प्रेजेंटेशन देना है, तभी भी ये 2 मीटर्स का लेंथ है, काफ़ी हद तक आपको काम आएगा। मेरा जो स्मार्टफोन में टाइप सी 3.1 जेन्युइन सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैंने मॉनिटर से कनेक्ट कर लिया और एट द सेम टाइम टीवी से भी कनेक्ट कर लिया, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डिस्प्ले आउट दे रहा था Full HD 60 frames। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो स्मार्टफोन भी Full HD है, एट द सेम टाइम मॉनिटर टीवी भी Full HD 60 frames को सपोर्ट करता है। प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स में कुछ मूवीज टीवी शोज को प्ले किया था और उसमें काफ़ी हद तक मुझे प्ले हो गए थे, लेकिन कभी कभी कुछ टीवी शोज मूवीज में एरर भी आया था और इवन कुछ देर के बाद वो भी प्ले होने लगा। और इवन गाइस मैंने OBS में भी सेम जो एप्स को ट्राई किया था मूवीज को, शोज को प्ले करने की, और कुछ प्ले हुए थे। स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ था, एरर दिखाया था, उसके बाद धीरे धीरे प्ले होने लगा और स्टैंडर्ड क्वालिटी आया था। Full HD तो नहीं आया, जो भी अच्छी तरह से प्ले हो रहा है उसके मजे आप ले सकते हैं, अगर काम नहीं किया तो नहीं किया। तो इसी के हिसाब से अगर आपको 4K आउटपुट लेना हो तो आपका स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, कोई भी 4K सपोर्ट करना है, एट द सेम टाइम डिस्प्ले भी 4K आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। फाइनली अब हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे स्ट्रीमिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला आपको समझना है कि ये कंपैटिबल स्मार्टफोन से ही काम करता है, आपके स्मार्टफोन में टाइप सी 3.1 जेन्युइन रहना है। अगर आपको एग्जैक्ट MHL डिवाइसेस के बारे में जानना हो तो मेरा जो MHL डिवाइसेस का वीडियो है वो आप देख सकते हो। बेसिकली हम क्या करते हैं कि टाइप सी का मल्टीपोर्ट लेते हैं और एक HDMI केबल लेते हैं, वो दोनों को मिला के कोई भी सस्ता नहीं तो महंगा कैप्चर कार्ड को लगा के PC में कैप्चर और रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां पे गाइस मल्टीपोर्ट को और केबल को बाजू रख के उसके प्लेस में ये जो केबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपैटिबल स्मार्टफोन, टाइप सी टू HDMI और एलगाटो कैप्चर कार्ड। सिर्फ ये 3 चीजों से आपको एक बढ़िया लेवल का स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको चार्जिंग और इन गेम चैट को कॉम्प्रोमाइज करना है। ऑडियो ऑब्वियसली PC के थ्रू सुनना है। ऑफ कोर्स गाइस इसको मैं खास करके स्ट्रीमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, हमको काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन एक वन ऑफ द ऑप्शन है। बस यहाँ पे एडवांटेज है कि मल्टीपोर्ट और HDMI केबल पे जो भी आप इन्वेस्ट करते हो वो सेम प्राइस पे ये केबल आ जाएगा, आसानी से सिंगल केबल के थ्रू एक हाई क्वालिटी डिस्प्ले आउट ले सकते हैं। बस इतना गाइस इस वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।